लावा मजबूरी नू आन जान की पसू। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला है कि आप काइन मास्टर ऐप में ब्लैक स्क्रीन ग्लोइंग टेक्स्ट स्टाइलस लिरिक्स वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले जो है गाइस, आपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो ऑलरेडी आपको यह प्ले स्टोर में से मिल जाएगा। आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जो है क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद रेशो सेलेक्ट कर ले 16:9 का। तो आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी शो होगी। तो आपने जो है गैलरी में से अपना ब्लैक बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट कर लेना है। ये ब्लैक बैकग्राउंड आपको गूगल से मिल जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइस, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी तरीके से बैक आ जाना है। अब आपने इस ब्लैक बैकग्राउंड को जो है इंक्रीज़ कर लेना है फिंगर की मदद से, जहाँ तक आपका सॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे इंक्रीज़ कर लिया। अब जो है यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेयर पर क्लिक कर दें और यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर दें। मीडिया पर क्लिक करके जो भी आप सॉन्ग यहाँ पर राइट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइड पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑडियो का आपने नीचे आ जाना है और एक्स्ट्रा ऑडियो पर क्लिक कर देना है। एक्स्ट्रा ऑडियो पर क्लिक करके इसका ऑडियो आ चुका है यहाँ पर। अब आपने वीडियो को जो है क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब वीडियो हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसे प्ले करके थोड़ा सुनना है, फिर आपने यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी से प्ले किया और लेयर पर चले गए। लेयर पर जाने के बाद टेस्ट पर क्लिक कर देना है आपने। टेस्ट पर क्लिक करके जो भी आपने सुना है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ जो भी सॉन्ग है, आग लावा मजबूरी नो। ठीक है गाइस, इसे ओके कर दे। ओके करने के बाद जो है आपने इसे इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद जो है यहाँ पर आपने इसे थोड़ा ड्रैग करके शुरू में ले आए। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा कम कर लें। कम करने के बाद फिर आप इसे नेक्स्ट प्ले कर लें। प्ले करके आप यहाँ पर सुन सकते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है इसका, नेक्स्ट लाइन इसकी कौन सी है। फिर आपने वहाँ पर आने के बाद फिर लेयर पर चले जाना है, टेस्ट पर चले जाना है और यहाँ पर आपने सेकेंड लाइन यहाँ पर राइट कर देनी है, आन जान की पसूरी नू। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं सुन सुन कर अपने वर्ड को। तो यहाँ पर आपने प्ले कर करके इसी तरीके से राइट करते आना ऐसा वर्ड। ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आपको इसके फोनट भी बताऊँगा कि कौन से बेस्ट फोनट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे ड्रैग करके यहाँ पर इस तरीके से जूम कर लें। ठीक है गाइस, यहाँ पर जूम करने के बाद जो थोड़ा इसे हम साथ कर लेंगे। साथ मिलाने के बाद आपने इसे भी थोड़ा इस तरीके से कम कर लेना है। फिर नेक्स्ट जो है आपने इसी तरीके से प्ले कर लेना है इसी ऑडियो को। प्ले करके फिर हम यहाँ पर सुन लेते हैं। फिर सुनने के बाद जो हम इसे थोड़ा रोक देंगे और यहाँ पर शुरू में आने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे और टेस्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसी तरीके से जहर बना, यहाँ पर हम जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट इसे भी इस तरीके से शॉर्ट कर लेंगे थोड़ा जूम करके। तो यहाँ पर हम इसे जूम कर लिया और इसे थोड़ा सा फासला आपने रखना है ताकि एक टेस्ट जो है दूसरे टेस्ट में ना आना चाहिए। इसी तरीके से आपने जहर बने यहाँ पर ये लिख देना है। फिर यहाँ पर ओके कर दे। ओके करने के बाद जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसी तरीके से प्ले कर लेना है। फिर यहाँ पर आपने जो है लेयर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने रोकने के बाद इसे लेयर पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप जो भी आपका वर्ड हो यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉन्ग का, मिल जावा मैं पूरी नू। ओके कर दे। ओके करने के बाद इसे भी आप इस तरीके से इंक्रीज़ कर लें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके बाद मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि आप किस तरीके से ग्लोइंग में बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आगे जो है म्यूज़िक और भी ज़्यादा चलता आता है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से, अब आखिरी बार बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आपने प्ले करके सुनना है, फिर आपने लेयर पर चले जाना है, टेस्ट पर जाकर आपने जो भी आप वर्ड प्ले करके सुनते हो वो यहाँ पर राइट कर लें। राइट करने के बाद इसे भी इस तरीके से जूम कर लें। ठीक है, अब आपको तरीका यहाँ तक पता चल चुका होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें मैं इसे जो है थोड़ा आप स्प्लिट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखें स्प्लिट करने से पहले ही हमने थोड़ा और इसे प्ले किया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ तक आने के बाद फिर लेयर पर जाकर टेस्ट पर आखिरी मरतबा, फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं अब नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर भाग भाग मेरा टकराया, तो यहाँ पर देखें अब मैंने यहाँ पर भी ये लिख चुका है, लिख दिया है। लिखने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे इस तरीके से इंक्रीज़ कर लूँगा। यहाँ पर देखें अब ये कंप्लीट प्रोसेस बन चुका है। यही मैंने आपको गेम समझानी थी जो मैं यहाँ पर आपको
आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको इस वीडियो में यहाँ तक कोई भी बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्लोइंग का बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा। आप यहाँ पर फोनट की बात करते हैं तो पहले इसे स्प्लिट करेंगे हम। स्प्लिट करके ट्रिम राइट पर, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। ट्रिम राइट पर जाकर ट्रिम राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमारा वर्ड जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब आपको कुछ वीडियो इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो इस वर्ड पर क्लिक करने के बाद फोनट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से देखें आपके सामने इस तरीके के फोनट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी आप फोनट इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आप इस वर्ड पर क्लिक कर दें, फोनट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर कोई भी आप फोनट ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पर फिर आप टेस्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर फोनट पर आने के बाद फिर कोई आप यहाँ पर स्टाइलिश जो है फोनट ऐड कर सकते हो। तो एक ही तरीका होता है सेम जो सब वर्ड पर करना होता है, और एक ही सेम तरीका होता है जो यहाँ पर राइट करना होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। अब आप इसे एक्सपोर्ट कर लें फर्स्ट कैरो पर क्लिक करने के बाद, तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। काइन मास्टर में इतना तो पता चल गया होगा कि आप सॉन्ग को किस तरीके से ब्लैक स्क्रीन में राइट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं अब आपको ग्लोइंग का बता देता हूँ। आपने नोट वीडियो ऐप को ओपन कर लेना है, ये आपने है तो ऑलरेडी आपको यह प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जो है क्लिक कर लेना है। प्लस के प्रोजेक्ट पर क्लिक करके नीचे आपको रेड कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर लिखा है मीडिया, मीडिया पर क्लिक कर दें और यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर दें। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने जो एक्सपोर्ट की थी काइन मास्टर में वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, और नीचे प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाइट कलर का, और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐसे स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको ग्लो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ग्लो पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर ग्लो पर क्लिक करने के बाद ये ग्लो हो चुका है। अब आपको नीचे ग्लो कलर की लाइन देखने को मिल जाती है, इस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने इस पेन पर क्लिक कर लेना है और इस कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने एक रिंग शो होगी। रिंग शो होने के बाद देखिए, आप थोड़ा इसे आगे ले जाएं तो यहाँ पर जो आप इसे मूव करवाओगे तो उसी तरीके से ये कलर चेंज होगा। तो जो भी कलर देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो, मैं ये वाला कलर दूंगा इसको। ठीक है, मैंने ये कलर दे दिया। अब जो है गाइस, हम थोड़ा वीडियो को लेकर बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद जो आपको नीचे प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाइट कलर का, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ऐसे स्टोर पर क्लिक कर देना है। ऐसे स्टोर पर क्लिक करके आपके सामने इस तरीके के बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा वो होगा रेन ड्रॉप वाला। तो नीचे आपको रेन ड्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे तो आपको आगे भी और सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है गाइस, आप नेचर पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर नेचर पर आना होगा। नेचर पर आने के बाद आपको नीचे रेन ड्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपने ये अप्लाई कर लेना है। तो ये हमने इफेक्ट अप्लाई कर लिया, देखें ये अप्लाई हो चुका है। आपको वीडियो कुछ इस तरीके से प्रूफ के साथ देखने को मिल जाती है। तो ये वीडियो थी हमारी जो मैंने आज आपको समझाई है। तो अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, नीचे आपको व्हाइट कलर का एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दें और ग्रीन पर क्लिक कर दें। आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। मैं इस तरीके टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। वीडियो में कोई भी बात समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।